अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल लाहौर टेक। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गूगल एडवर्ड के बारे में, कैसे हम गूगल एडवर्ड को इस्तेमाल करके कंपेन रन कर सकते हैं और कंपेन का सेटअप किस तरह से कर सकते हैं। जिस तरह चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं तो गूगल एडवर्ड ने खुद को भी एडवांस कर लिया है। जब आप गूगल एडवर्ड खोलते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कि एक न्यू इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से गूगल एडवर्ड को इस्तेमाल करके कंपेन रन की जा सके, बिकॉज यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियोज़ अवेलेबल तो हैं, बट उन्होंने कंपेन रन जो करना सिखाया हुआ है बिल्कुल ओल्ड मेथड के जरिए बताया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो इसी बारे में है कि न्यू मेथड के जरिए गूगल एडवर्ड पे हम कंपेन कैसे रन कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और आपको बताता हूँ कि गूगल एडवर्ड की सर्विस को किस तरह से आप इस्तेमाल करके इजीली कंपेन को रन कर सकते हैं और कैसे सेटअप इसका कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों अपने लैपटॉप की स्क्रीन को कर लीजिए ऑन और गूगल को यहाँ से कर लीजिए ओपन और यहाँ पर सर्च कीजिए गूगल एडवर्ड। गूगल एडवर्ड पर क्लिक कीजिए और जो पहला लिंक दोस्तों आपके सामने आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों कुछ इस तरह का उसका इंटरफेस होगा और आप यहाँ से कर लीजिए साइन इन। तो दोस्तों मैंने पहले से ही साइन इन कर रखा है, तो जैसे ही ये लोड होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है आगे। दोस्तों कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस होगा, आप देख सकते हैं मैंने पहले से ये कंपेन रन कर रखी है अपनी। तो आपको बताता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये क्या है। दोस्तों गूगल एड्स लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे गूगल एडवर्ड का पहला नाम था गूगल एडवर्ड, तो उन्होंने चेंज करके रख दिया है गूगल एड्स। तो दोस्तों करना कुछ ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कंपेन, तो ऑल कंपेन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक छोटा सा ब्लू कलर का बटन नज़र आ रहा है प्लस का, तो आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे होगा न्यू कंपेन, तो न्यू कंपेन पे क्लिक करें ताकि हम अपनी नई कंपेन को स्टार्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, आपने करना बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी होने वाली है लंबी, तो जिन लोगों को चाहिए बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों वो वीडियो देख सकते हैं, बाकी लोग दोस्तों जा सकते हैं वीडियो को छोड़ के। तो बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेल्स की, लीड्स की, वेबसाइट ट्रैफिक की, एप्लीकेशन की, प्रोडक्ट की। तो जिस चीज़ की आप कंपेन रन करना चाहते हैं उस चीज़ को क्लिक कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि जो लोग वेबसाइट ट्रैफिक करना चाहते हैं तो वेबसाइट ट्रैफिक को क्लिक कर लीजिए। हमें चाहिए दोस्तों अपने YouTube वीडियो के लिहाज से, तो क्रिएट अ कंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस पे क्लिक करें। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हैं बहुत सी ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगी, डिस्प्ले, शॉपिंग, यूनिवर्सल ऐप। तो वीडियो प्ले आपने करना है क्लिक, क्लिक करें, यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड या फिर एड सीक्वेंस। तो आपने इसको स्टैंडर्ड पे ही रहने देना है और क्लिक कर देना है कंटिन्यू पे। तो दोस्तों उसके बाद होगी लोडिंग आपकी, अगर का नेट बहुत तेज़ है तो लोडिंग होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल एक फ्रेश पेज अब आपके सामने खुल जाएगा। बट मेरा थोड़ा सा नेट दोस्तों स्लो है, तो जैसे ही इंटरफेस अब आपके सामने आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। दोस्तों कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस होगा, यहाँ पे अपने अपने कंपेन का नाम लिखना है, लाइक कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूट्यूब वीडियो, ओके। तो उसके बाद दोस्तों अपने अपना बजट सेट करना है डेली के लिहाज से, डेली के ऑप्शन भी है और कंपेन टोटल की भी। कंपेन टोटल का मतलब कि टोटल कंपेन की आप एक ही दफ़ा अपने पैसे यहाँ पे डाल सकते हैं। लाइक मैं पर प्रेफर करूँगा दोस्तों आप डेली पे ही रखें, और डेली के लिहाज से मैं पैसे सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से तकरीबन कोई 80 रुपीज़, ओके। जो लोग अभी बिल्कुल फर्स्ट टाइम कंपेन रन कर रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि वो दोस्तों आप बिल्कुल लो बजट से ट्राई करें, फिर दोस्तों इसके बाद आप ज़्यादा चाहें तो आप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे योर एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस, टू सी योर एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस एंटर द फॉलोइंग सेटिंग। दोस्तों आप इन सेटिंग्स को आपका करना लाजमी है, वीडियो एड फॉर्मेट, योर वीडियो, योर यूट्यूब वीडियो बिड। दोस्तों चलते हैं, बाकी सारा कुछ दोस्तों वैसे ही रहने दें, पर समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि लैंग्वेजेस चाहें तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ऑल लैंग्वेजेस है तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करके लिख सकते हैं हिंदी, हिंदी को ऐड कर दी, हिंदी कर दी ऐड, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक और लैंग्वेज उर्दू, बिकॉज मेरी वीडियो हिंदी और उर्दू से मिलती जुलती है, तो दोनों मैंने कर लिया यहाँ पे सेलेक्ट। उसके बाद दोस्तों आप लोकेशन चाहिए तो चेंज कर सकते हैं, लोकेशन मेरी पाकिस्तान है, तो आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक प्लेस की रख सकते हैं, लाइक
यहाँ पे कुछ भी लिख लें, आप कराची लिख लें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कराची की ऑप्शन आ जाएगी। तो बट मैं प्रेफर यही करूँगा कि पूरे कंट्री की रखी जाए, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, जिसको भी आप टारगेट करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों ख्याल रखें, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सिर्फ ये हैं, जो चीज़ हम लोग कर चुके हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी उनके लिहाज से वहाँ पर टिक ग्रीन आ चुका है, बाकी ये सिर्फ आपको समझाने के लिए सेटिंग्स करना ज़रूरी है बस दोस्तों। बट जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यही है, बिल्ड यूट्यूब वीडियो या वीडियो एड फॉर्मेट का, ठीक हो गया। फिर दोस्तों सारा कुछ वैसे ही रहने दें, उसके बाद आपने दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपने क्रिएट योर एड ग्रुप, चाहे तो दोस्तों आप कुछ भी यहाँ पे इसका नेम रख सकते हैं, कुछ भी रख देंगे, लाइक यूट्यूब वीडियो ही रखते हैं आप। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे डेमोग्राफ देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ आ जाएगा, मेल फीमेल, तो आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसा करके, बट मैंने सबको ही पहले से सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। कोशिश करें कि दोस्तों आप अनसेलेक्ट ना ही करें किसी को, फ़ायदे में यही है कि दोस्तों सबको सेलेक्ट किया जाए। तो ऑडियंस पे क्लिक करते हैं अब, और आपको बताता हूँ कि क्या है ऑडियंस पे। दोस्तों कुछ लिखा हुआ आएगा हु दे आर, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए अगर चाहें तो। जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपकी वीडियो दोस्तों किसी एजुकेशन लिहाज से है तो दोस्तों आप एजुकेशन पे क्लिक कर लीजिए, और क्लिक कर लीजिए करंट कॉलेज स्टूडेंट पे। उसके बाद दोस्तों अगली ऑप्शन आती है कीवर्ड्स, तो दोस्तों आप यहाँ से अपने कीवर्ड्स डाल सकते हैं, और टॉपिक्स पे दोस्तों जाके आप टॉपिक अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि वीडियो किस लिहाज से है, लाइक मेरी है इंफॉर्मेशन के लिहाज से, तो जॉब्स एंड एजुकेशन कर लेते हैं, ठीक हो गया, यहाँ जाके सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिड, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम CPV बिड, CPV का मतलब होता है कॉस्ट पर वीडियो, में लिखा भी हुआ है। बहुत से लोग वीडियो से बता रहे होते हैं, लोगों को समझ नहीं आती कि बंदे ने बोला क्या है, तो साथ दोस्तों ज़रा अपना, तो दोस्तों देख सकते हैं हम लिखा हुआ है कॉस्ट पर वीडियो, कि कॉस्ट पर वीडियो पे आप कितनी रखना चाहते हैं। तो दोस्तों कम से कम ही रखें, जो एग्जांपल हमारे सब लोगों ने 100 रुपये सेलेक्ट किया है, तो दोस्तों मैं अपनी बिड रखूँगा 20 रुपये के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 20 रुपीज़ रखे हैं, आप चाहे 20 से लेकर 50 तक रख सकते हैं, बट आप बिल्कुल न्यू यूज़र हैं तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि 20 ही रखें। आप देख सकते हैं कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी दोस्तों वहाँ पे साथ साथ क्लिक होता है, साथ साथ टिक होता जा रहा है, ग्रीन ग्रीन हो चुका है, जो चीज़ इनके लिहाज से इंपॉर्टेंट थी। बाकी जो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वो सेटिंग है जो आपने करनी है, चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो ना करें आप, कोई ऐसा मसला नहीं, बट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यही थी। अब क्रिएट योर वीडियो एड, अपन वीडियो एड चाहिए आपको किसके ऊपर, तो आप यहाँ पर लिंक डालें अपना वीडियो का, लिंक डाल दिया वीडियो का यहाँ पे। तो मैंने जैसे ही वीडियो का लिंक डाला है दोस्तों, यहाँ पे अब फॉर्मेट पूछ रहा है कि आपने कौन से फॉर्मेट में वीडियो चलानी है। तो दोस्तों फॉर्मेट आपने करना है इन स्ट्रीम वीडियो, इन स्ट्रीम ऐड, जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि वीडियो किस तरह से शो होगी मोबाइल के ऊपर और किस तरह से शो होगी डेस्कटॉप के ऊपर, आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने डालना है यहाँ पे फाइनल URL दोबारा से वीडियो का, जो मैंने पहले सेलेक्ट कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले URL पे दोस्तों अपने आप चैनल का लिंक डाल सकते हैं, बट आप जैसे ही डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली पहले वाला दोस्तों पहले वाला लिंक दोबारा यहाँ पे पोस्ट पेस्ट हो जाएगा, तो आप इसको चाहें तो अपने चैनल का लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं, तो बेहतर यही होगा आप डाल लें अपने चैनल का लिंक। उसके बाद दोस्तों आप इसको स्क्रॉल डाउन करें और एड नेम कर दें, आप जो भी नेम चाहें आप दोस्तों यहाँ पे रख सकते हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यूज़ आपको मिलेंगे 150 से लेकर 370 तक, इंप्रेशन 740 to 1.8K तक, और एवरेज CPV जो लग रही है वो 2 से लेकर 5.8 तक लग रही है, और इंप्रेशन आपको 10K तक मिल जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आपने जाना है ऊपर, और आप देखेंगे यहाँ पे जाके एक ऑप्शन आएगी, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी दोस्तों कीवर्ड की, तो दोस्तों कीवर्ड पे जाके आप अपने डाल सकते हैं कीवर्ड्स, यहाँ पे आप एंटर करेंगे ऑनलाइन अर्निंग, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो बहुत सारा कुछ शो कर देगा, आप चाहें तो इनमें चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जाके आप यहाँ पे दोस्तों अपना कुछ भी टाइप अपना कर सकते हैं दोस्तों, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों सारा कुछ हो गया सिलेक्ट, उसके बाद दोस्तों आपने जाना है बिल्कुल नीचे, और यहाँ से कर देनी है कम्पेन सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों कम्पेन रन करने के बाद आप बैक अपनी कम्पेन पे आ सकते हैं, और आपको इस तरह कुछ ग्राफ शो होगा। जैसे जैसे आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे दोस्तों कुछ ही टाइम के बाद, आपको ग्राफ आपको शो कर देगा कितने क्लिक्स हो चुके हैं,
और क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई जा सके दोस्तों उतना ही अच्छा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।